को मिल जाएगा। तो लोकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आप अपने फोन का जो लोकेशन है वो यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर गाइस सबसे पहले ऐड को हम क्लोज करेंगे। ऐड को क्लोज करने के बाद यहां पर देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर देख सकते हो लाइव लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पर आप अपना लाइव लोकेशन देख सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो कंपास मैप है, उसके बाद यहां पर लाइव वेदर है, फाइन एड्रेस है। यहां पर किसी का भी आपको एड्रेस फाइंड करना तो यहां पर क्लिक करके आप नंबर डाल के किसी का भी एड्रेस जो है फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर गाइस तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस यहां से आपको बैक आना है, और गाइस बैक आने के बाद उसके बाद यहां पर दो ऑप्शन आपने देख लिए। उसके बाद नंबर लोकेटर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस यहां पर क्या करेंगे, हम ऐड को क्लोज करेंगे। ऐड को यहां पर जैसे ही हम क्लोज करेंगे ऊपर की साइड से, तो यहां पर ऊपर की साइड से हम ऐड को क्लोज करेंगे। उसके बाद देख सकते हो नंबर लोकेटर का ऑप्शन मिलेगा, लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, एसटीडी कोड, आईएसडी कोड, तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर लोकेटर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और गाइस इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर गाइस कुछ ऐड शो होगी। तो यहां पर सबसे पहले ऐड को हम क्लोज कर लेते हैं, और गाइस ऐड को क्लोज करने के बाद यहां पर देख सकते हो नंबर लोकेशन का जो ऑप्शन है लोकेटर का, उसके अंदर आप मोबाइल नंबर डाल के किसी का भी एड्रेस यहां पर जान सकते हो। जिसका भी आपको एड्रेस जानना है उसका मोबाइल नंबर यहां पर डाल के आप लोकेशन देख सकते हो। उसके बाद यहां से गाइस हम बैक आएंगे, और गाइस बैक आने के बाद यहां पर लोकेशन आप देख सकते हो, लाइव लोकेशन जो भी है वो आप देख सकते हो। उसके बाद यहां पर एसटीडी कोड जान सकते हो, आईएसडी कोड जान सकते हो, यहां पर देख सकते हो जो भी आपको ऑप्शन है आप उन्हें यूज कर सकते हो। उसके बाद यहां से गाइस हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहां पर सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर फिर से एक ऐड आ चुकी है, तो ऐड को हम क्लोज करेंगे पहले, उसके बाद यहां पर इस फीचर्स को आपको बता देते हैं। तो ऐड को क्लोज करेंगे, उसके बाद यहां पर देख सकते हो कॉल अनाउंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कॉल ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, और शॉर्टकट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर कॉल अनाउंसर के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आप अपने फोन में कॉल अनाउंसमेंट ऑन कर सकते हो। गाइस जब भी किसी का फोन आएगा तो यहां पर अगर नंबर सेव नहीं रहेगा तो नंबर अनाउंस करेगा, और अगर नंबर सेव रहेगा तो उसका नाम अनाउंस करेगा। यहां पर यह फीचर आपको ऑन कर देना है। तो यहां पर गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि नंबर लोकेशन ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं अपने फोन में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।